सिनेमा के सिनेमा ने इस 70 साल 80 साल 90 साल की का हो गया हमारा सिनेमा, लेकिन इसने कभी प्रतिभा को सम्मान नहीं दिया। सिनेमा के अंदर में कभी वो ताकत ही नहीं आ पाई, क्योंकि वो कॉमर्स से उठ के उठा ही नहीं, वो कभी कॉमर्स से उठा ही नहीं, ना जब वो कॉमर्स से उठा ही नहीं तो उसके अलावा उसके लिए हीरो हीरोइन के अलावा जो है आगे देखने का उसने जो है कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा, और इस चक्कर में सिनेमा ने बहुत सारी प्रतिभाओं का सत्यानाश किया। फिल्म इंडस्ट्री में अमूमन लोग यही कहते हैं कि एक इंडस्ट्री का दर्जा अगर इसको मिल जाता है तो फिर शायद बात कुछ और हो जाए, लेकिन अभी तक एक कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि इस इंडस्ट्री से मैं जाना चाहता हूँ। देखिए, वो क्यों जाना चाहेगा? देखिए, मैंने जैसा बताया आपको कि हर कोई जो आया है वो किसी न किसी जुनून के कारण आया है जी, जो वो करना चाहता था वही कर रहा है इस इंडस्ट्री में, वो नहीं कर रहा है जो वो नहीं करना चाहता था। सिर्फ ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा रोल करना चाहता हो लेकिन अभी के समय में वो छोटा रोल कर रहा है, इसके अलावा वो कर तो वही रहा है जो वो करना चाहता था। हो सकता है कि कोई एक फिल्म शाहरुख और सलमान के साथ बनाना चाहता हो लेकिन अभी के समय में उसको मनोज बाजपेयी के साथ ही बनाना पड़ रहा है, वो कर तो रहा है वही, लेकिन स्केल हो सकता है उसके मन मुताबिक ना हो जी, लेकिन जी। हम सब कर वही रहे हैं, इसीलिए यहाँ से जाने का मतलब नहीं है, जाने के बारे में सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा हम बड़े लकी लोग हैं कि हम वो कर रहे हैं जो हम करना चाहते थे, करना चाहते, क्या बात, और जिस काम से हमें हमेशा से प्रेम रहा है। जी। आपका आपको लगता है कि OTT ने आकर एक तरह से पूरी दिशा और दशा बदल दी है फिल्म इंडस्ट्री की? जो जो सब्जेक्ट्स अमूमन नहीं उठाए जाते थे या कम उठाए जाते थे, अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं, हालांकि क्राइम थ्रिलर ज्यादा है वहां पर, लेकिन फिर भी मेरी जैसे तापसी पन्नू से बात हो रही थी तो वो ये कह रही थी मुझे कि जो इंडस्ट्री में अमूमन बहुत सारे लोग खाली होते थे, OTT के आते ही बहुत लोगों को काम मिला। मैं तो कई सालों से मतलब जब से OTT ने अपनी शक्ल जो है पूरी करनी शुरू की, तब से जो है मैं कह रहा हूँ कि सिनेमा ने इस 70 साल 80 साल 90 साल की का हो गया हमारा सिनेमा, लेकिन इसने कभी प्रतिभा को सम्मान नहीं दिया। सिनेमा के अंदर में कभी वो ताकत ही नहीं आ पाई, क्योंकि वो कॉमर्स से उठ के उठा ही नहीं, क्या बात, वो कभी कॉमर्स से उठा ही नहीं, ना जब वो कॉमर्स से उठा ही नहीं तो उसके अलावा उसके लिए हीरो हीरोइन के अलावा जो है आगे देखने का उसने जो है कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा, और इस चक्कर में सिनेमा ने बहुत सारी प्रतिभाओं का सत्यानाश किया है, नुकसान किया, उसने खो दिया इतने सारी मतलब वर्ल्ड क्लास टैलेंट यहाँ पे नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। बिल्कुल सही। और तो सिनेमा जो नहीं कर पाया वो OTT ने किया, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो निर्देशक हो, चाहे वो कोई टेक्नीशियन हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो साउंड डिजाइनर हो, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में आज OTT के कारण हर किसी के पास एक जीवन शैली है, हर किसी का एक जीवन है, हर कोई आज सुबह काम के लिए निकलता है, गए रात तक वापस आता है और वो खुश है, उसका परिवार खुश है, और मैं उन लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। सिनेमा मैं चाहता हूँ थिएटर में लोग जाएं, ताकि एब्सोल्यूट पावर किसी के पास नहीं होना चाहिए, OTT के पास भी नहीं होना चाहिए, ना सिनेमा के पास होना चाहिए, ना TV के पास होना चाहिए, लेकिन ये बात तो सही है कि जो सिनेमा इतने सालों के इतिहास में नहीं कर पाया OTT ने वो कर दिखाया है, और मैं चाहता हूं कि OTT ताउम्र हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, ताकि कोई अभिनेता बिना काम का ना मरे, भूखमरी में ना मरे, तंगहाली में ना मरे, कोई टेक्नीशियन यहाँ से कोई वापस जाके कोई दूसरा काम ना शुरू करे। वो OTT ने वो दिया है,
अब कितने साल तक ये रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये प्रार्थना करूंगा कि ये हमेशा हमेशा के लिए रहे। लेकिन मैं सिनेमा थिएटर के बिल्कुल थिएटर में थिएटर व्यूइंग के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं, जैसा मैंने कहा मैं चाहता हूं कि सारे मीडियम थ्राइव करें ताकि साथ में काम काम बहुत सारा हो जी, और जी, किसी जी, के पास अंतहीन ताकत ना हो। क्या बात, बिल्कुल सही जी जी। तो क्या सिनेमा हॉल्स का खुलना, ओटीटी का आना सिनेमा हॉल्स के खुलने को अफेक्ट करेगा आपके हिसाब से? देखिए सिनेमा जो है वापस आएगा, मैं जानता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि वो आए, लेकिन कितनी जल्दी अपने रंग में लौटेगा ये कह पाना मुश्किल। और अगर लौटा भी तो उसकी उसकी रूपरेखा क्या होगी वो अभी कोई भी नहीं बता सकता, कोई कोई ट्रेड का पंडित भी नहीं बता सकता। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ओटीटी ने 2 साल तक दर्शकों का मनोरंजन किया है, उन कहानियों के जरिए मनोरंजन किया है जिन कहानियों को पर्दे पे लाने में सिनेमा कम पूरे तरीके से फेल रहा है, अक्षम रहा है, असक्षम रहा है। तो अगर 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद जब वो दर्शक सिनेमा हॉल में जाएगा तो उसकी वो किस तरीके से सिनेमा से अपनी अपेक्षाएं रखेगा ये देखना बाकी है। ये देखना बाकी है। सच सच एक बात बताना चाह रही हूँ कि आवाज द वॉइस में हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि हम सिंक्रेटिक कल्चर की बात करें, शेयर्ड को एग्जिस्टेंस की बात करें और गंगा जमनी तहजीब की बात करें। तो आपकी इंडस्ट्री तो इसकी एक मिसाल है। मैं इसके बारे में आई वुड लाइक यू टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस की सौहार्द को वापस कैसे लाया जा सकता है। मैं इसको मिस कर रही हूँ कहीं, मैंने भी हिंदुस्तान में इतना वक्त गुजारा है। सौहार्द को, शेयर्ड एग्जिस्टेंस को, सिंथेटिक कल्चर को वापस लाने का, मरी नहीं है, कम हुई है, इसको वापस लाने का तरीका क्या हो सकता है? आप एक थिंकिंग एक्टर हैं इसलिए मैं देखिए राणा जी, मैं मुझे लग रहा है कि जी हम लोग थोड़ा सा जी थोड़ा सा अन्यथा ही हम बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। मैं अपने गांव गया था, मैं अपने गांव गया था जब मेरे पिताजी बीमार थे, मैं उत्तराखंड से गया था जी। आपको पता है मेरे पिताजी के मरने के बाद पूरा जो एक पूरा समुदाय है मुस्लिम समुदाय वो हजारों की संख्या में आया था, जिनके साथ मेरे पिताजी के अपने या तो जानते थे या फिर बहुत ही अंतरंग संबंध थे उनके। हम लोगों को लगा नहीं कभी, मुझे कभी नहीं लगा जब भी मैं गांव जाता हूं, मुझे जरूर लगता है जब मैं सोशल मीडिया पर जाता हूं, सच, लेकिन मैं जब गांव जाता हूं तो मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत कमी भी हो रही है आप फिक्र मत कीजिए, वो सही हो जाएगी। ये देश जो है बड़ा बड़े कमाल का देश है। हाँ, हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही कमाल का देश है। चीजें थोड़ी नीचे जाती हैं फिर ऊपर आ जाती हैं, ये आगे लोगों में बड़ी ताकत है। एक कमाल की चीज है कि यहाँ का जो दर्शक वर्ग है, जो यहाँ की जनसंख्या ही दर्शक वर्ग है, वो जनसंख्या जो है वो अपनी मेमोरी थोड़ा सा कम रखती है। हाँ, वो वापस से भूल के चीजों को फिर यू नो अपने तरीके से अपने चरित्र के हिसाब से फिर वापस से शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, फिर से वापस हम वहीं पे आने वाले हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम थे। और मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हम वहीं हैं। हाँ, थोड़ी बहुत लोग जो मैं जब सोशल मीडिया पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि थोड़ी घबराहट है लोगों के अंदर में, लेकिन वो सही हो जाएगी। लेकिन देखिए सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं है, ऑन ग्राउंड है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों की मोहब्बतें बिल्कुल बेमिसाल हैं। ऑन ग्राउंड हम जाके काम करते हैं तो हमें चीजें दिखती हैं, एज ए जर्नलिस्ट भी जाना पड़ता है ऑन ग्राउंड, और दिखती हैं कुछ चीजें जो वाकई में दिखती हैं और उसको देख के अफसोस भी होता है। तो हम आंखें बंद करना बड़ा मुश्किल है और ये कहना कि नहीं है। नहीं, मैं ये वही मैं कह रहा हूँ कि अगर है आपको लग रहा है तो वो जल्दी सही हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं अपने गांव जाता हूँ तो मुझे नहीं दिखा, तो मैं कैसे बोल दूँ।
मैं कैसे बोल दूं उस बात को? और हमारा हमारे बड़े पारिवारिक रिश्ते हैं वहां पर, हाँ बड़े पारिवारिक रिश्ते हैं जहां पे बचपन से हमने उन रिश्तों को देखा है, उस सौहार्द को देखा है, और वो मिलना जुलना आज भी जब मैं जाता हूँ तो सबके घर जाके दरवाजा खटखटाना मेरा मेरे जीवन का हिस्सा है। और उसी तरीके से उन सबका मैं मेरा स्वागत करना, खैर मकदम करना जो है वो भी एक हिस्सा है। उसके अलावा हम सोचते भी नहीं है, अगर कोई मुझसे व्यक्तिगत तौर पे थोड़ी नाराजगी भी रखता है तो उससे जाकर के उसको गले मिलाना और उसके घर जाके खाना खाना, ये हमारे जीवन का मेरे जान वहां पे जाने को लेकर के इसका हिस्सा है। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं इस बात को लेकर के आप निश्चिंत रहिए, और जो भी आपके आसपास के लोग हैं मैं उनको ये बात निश्चिंत करना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बड़ा टेम्पररी है, बहुत टेम्पररी है। आमीन। इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। जी, बड़ी खूबसूरत बात कही है आपने, मैं खुद भी मानती हूँ ये बड़ा मजबूत देश है, इसको बहुत मजबूत है। तोड़ना, डिवाइड करना, वो तो जिनका काम है वो तो करेंगे। जैसे अनुभव जी आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, तो कहते हैं जिनका जो काम है वो करेगा ही, आपका काम है कि आप मिलके रहो, बात खत्म हो गई ना, बस वो आप जिस चीज आपके जी विचार जैसे हैं वैसे जिए आप, बस सब कुछ सही रहेगा। बहुत अच्छी बात, मुझे इतना ज्ञात है कि आप अच्छे कवियों को पढ़ते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप किन कवियों को ज्यादा पसंद करते हैं, किन को ज्यादा पढ़ते हैं या पढ़ते थे, जो आपके आपके जो जिसे नहीं, मैंने सबको बहुत पढ़ा है। मैं पीछे अलमारी में जाऊंगा तो मुझे सारे के सारे कवि जो हैं जी किताबें पड़ी हुई हैं, और कभी कभी खाली होता हूं तो ऐसे ही थोड़े पन्ने पलट लेता हूं, अब उतना समय मिलता नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा रहा है कि बिना कविता पढ़े हुए जाता ही नहीं था सुबह सुबह का समय। बाद में मैंने उसको रिकॉर्ड भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उससे मुझे स्पीच को जानने में उससे मदद मिलती थी। मैंने आप जिनका नाम लीजिए मैंने सबको पढ़ा है। आप जी तो कविता को लेकर के प्रेम कुछ इस तरह से रहा है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि आप लाइनें दोहराइए वो नहीं होता है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती। हाँ, मुझे भी याद। जी हाँ, बड़ी जी, मुश्किल जी, होती है मुझे जी। लेकिन एक एक चीज रही कि मैं उर्दू के जितने शायर थे उनको उनको मैं पढ़ता रहा, लेकिन किसी का एक शेर मुझे याद मौके पर याद नहीं होता, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट होता हूँ। कुछ एक दोस्त ऐसे हैं कि यूं हालात बने और यूं शेर आता है उनके। हाँ, सच है। सही है। हाँ, बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, ये तो है। मेरे जो फादर इन लॉ थे वो भी कुछ ऐसे ही थे, यूं हालात बनते थे और यूं जो है कोई शेर वो जो है डाल देते थे। क्या बात? तो इस तरह के लोगों से बड़ी जलन होती थी, लेकिन मुझे याद रहती नहीं जी। कोई कविता के दो लाइन, मेरे दोस्त हैं आज भी जो कोई कविता के दो लाइन निराला की हो, अज्ञा को हो, किसी के भी एक लाइन जो है डाली देते हैं, और मुझे लगता है यार मैंने इतना पढ़ा लेकिन आज तक जो है ये कला मेरे अंदर में नहीं आ पाई। 3-4 महीने से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपसे बात कर लूँ, लेकिन मैं वाकई में मैं चेज नहीं करना चाहती थी, ना वो जहन है और ना किसी को परेशान करने का। मैं तो कभी पहाड़ में घूम रहा हूँ, अभी तो मैं बम्बई आया हूँ, तो मैं ये कर पा रहा हूँ, यहाँ से निकल गया तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वाईफाई मेरे पिताजी का दबा है वहां तो वाईफाई अपने 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 हिसाब से व्यवहार करता है। वो इन सब पहाड़ों में जो है बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बफरिंग बहुत होती है, आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि इंटरव्यू हो ही नहीं पाएगा। जी जी जी, जी। और वैसे भी देखिए एक चीज होती है ना, कलाकार को सुकून से रहने देना चाहिए, अब जब उनके पास वक्त हो आप बात कर लीजिए। ये जो भेड़ चाल हमारे यहाँ शुरू हो गई ना, उससे हम जैसे जर्नलिस्ट लोगों को बहुत दिक्कत आती है। सच नहीं 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 राणा जी, मैं आप नहीं सुनिए, मैं उन्हीं से बात करता हूँ जिनसे मेरा दिल मिलता है, दिमाग मिलता है। नहीं मैं इंटरव्यू, वैसे सही बताऊं आपको, मैं जी इंटरव्यू
अब थोड़े कुछ बहुत साल हो गए इंटरव्यू देते हुए, सच में मुझे शब्द से भी मुश्किल तो, होती है बातचीत तो, कुछ देर के बाद थकान हो जाती है मुझे। मैं बातचीत करने वाला आदमी नहीं हूँ, मेरी पत्नी मेरी बच्ची जो है ना तंग आ जाते हैं कभी कभी, आधे घंटे बातचीत करूंगा उसके बाद मैं चला जाता हूँ, अलग हो जाता हूँ, तो वो थोड़े से थक जाए, मतलब परेशान हो जाते हैं कि यार ये आदमी हमारे साथ में बैठता क्यों नहीं। मैंने कहा मैं बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता। हाँ मैं क्या करूँ, मैं इतना बोलने में थक जाता हूँ, मैं क्या करूँ। आप चूंकि मुझे मालूम था कि आज मैं मेरी आपसे मुलाकात हो रही है, मैं मुझे यही शेर याद आया कि मैं आपसे पढ़ूं, आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करूंगी कि हजारों साल की आवारगी पर भारी है, हजारों साल की आवारगी पर भारी है वो एक शब्द जो तेरी याद में गुजारी है। क्या बात है, क्या बात है। वाकई में कल जी कल 5 बजे तक नींद नहीं आई और जब उठी तो 11 बज गए थे तो मुझे लगा मनोज जी भाग गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मैं एक बात मेरे अंदर में है, मैं अब और वो अपनी तारीफ मैं खुद से करके मैं बता देता हूँ आपको। अगर मैंने बोला है कोई टाइम दिया है तो मैं हमेशा वहां पे उपलब्ध रहूंगा। हाँ, आप होते हैं। ये मेरे बचपन का स्वभाव है, ये आज का स्वभाव नहीं है, ये कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वो मेरा व्यक्तिगत एक स्वभाव है कि या तो मैं कमिट करता नहीं हूँ, और कमिट करता हूँ तो मैं पूरा पूरा करता हूँ, तो वो उस मामले में आप निश्चिंत रहिए। जी ये तो मैंने देखा अलीगढ़ जब आपने फिल्म की तो बड़े दिल से बात की थी मुझसे अलीगढ़ के बारे में। मैं आज तक आपका वो अकेला इंटरव्यू है जो भूल नहीं पाती हूँ। आप बिल्कुल अलीगढ़ वाले ही उस कैरेक्टर में, उसी कैरेक्टर में आपने जो बातें आज, आप यकीन नहीं करें एक एक लाइन मुझे याद है जो आपने मुझे उस वक्त कही, आपने गुनगुना के भी सुना है। अरे जी आपका अभिनेता जी, आपकी खूबसूरती ही आपकी सिंप्लिसिटी में है, ये बात सच है। आपको अपने अंदर जी मैं सच में कहूं, अब मतलब जरा नवाजी ठीक है, आपने बुराई कर दी मैं, लेकिन सच में आपको मैं ऐसा ही हूं, मैं इससे अलग, मैं सिंपलिसिटी, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे सहजता को लेकर के और सिंपलिसिटी को लेकर, मैं ऐसे ही हूं, मैं इसके अलग मैं हो ही नहीं सकता हूं। और अगर ये खूबसूरत है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप, और बस बदसूरती मेरी मेरे मेरे शूटिंग पे निकलती है जब मैं गुस्सा करता हूँ चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर पे। बहुत अच्छा। मैंने एक चीज बड़ी नोटिस की है कि आपकी आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो मैंने वो एक शो में, कॉमेडी शो में देखा, बहुत अच्छी कॉमिक टाइमिंग्स हैं। कभी ख्याल आया कि एक कॉमेडी फिल्म है ना, या फैमिली मैन तो कॉमेडी ही है, बहुत सारी चीजें जो है बीच में, नहीं अलग से कॉमेडी करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा। क्योंकि हाँ नहीं, मैं मेरे ह्यूमर और ह्यूमर की टाइमिंग वो किसी खास चरित्र या खास सीन का हिस्सा होता है तो वो करने में मेरा यकीन रहता है, अलग से कॉमेडी फिल्म करने में मेरा यकीन उतना रहा नहीं है नराना जी। अच्छा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि हमारी इंडस्ट्री ने, जैसे आपने कहा और मैं खुद भी यकीन करती हूँ कि 1000 फिल्में बनती हैं हमारे यहाँ, मतलब एक साल में हमारे यहाँ 1000 फिल्में बनती हैं, उसमें से 2 ही 4 ऐसी होती हैं जो सही मायनों में बैठ के देखने लायक होती हैं, जिसमें कुछ होता है। तो हम लोगों को क्या सीखना है, अभी कहाँ से सीखना है, कहाँ से लेकर आए, क्या करें। मैं ईरानी छोटी छोटी फिल्में देखती हूँ तो सच पूछिए एकदम लगता है कि इट ब्लोज योर माइंड अवे। लेकिन नाना जी मैं आपको सच में बताऊं, मैं आपसे बिल्कुल अलहदा सोचता हूं इस बारे में, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। आप अलग अलग जा करके सारे प्लेटफॉर्म पे देखिए और नई नई बहुत सारी फिल्में, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। जो ईरानी फिल्में आपको दिखती हैं या यहाँ तक पहुंच पाती हैं वो फिल्में होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, आप तक पहुंचती हैं। बाकी जो फिल्म है ना आप तक नहीं पहुंच पाती, जो उतनी ज्यादा वो औसत दर्जे की होती है। हम जितनी फिल्में बनाते हैं और जितना हम सीरीज बना रहे हैं उसके हिसाब से देखिए आज रेशियो कितना ऊपर गया है अच्छी चीजों का, अच्छे कलाकारों का, अच्छे निर्देशकों का, अच्छे कैमरामैन का, अच्छे कैमरा वर्क का, अच्छे साउंड का, अच्छे एडिटिंग का, आज हम बहुत अच्छा कर रहे हैं।
हम लोग हॉलीवुड की वही फिल्में हम तक पहुंच पाती हैं, हम देखते हैं जो कोई बोलता है कि भाई ये अच्छी है तुम देख लो, लेकिन हॉलीवुड भी बहुत ही खराब फिल्में बनाता है, बहुत खराब फिल्में बनाता है, बहुत ही खराब फिल्में बनाता है जो देखी हम तक नहीं पहुंचती। जी, तो हमने चाइनीज जी बिल्कुल जी नहीं नहीं आप थोड़ा सा मुझे अगर इजाजत दें, क्योंकि आप बिल्कुल बेटी अगर बेटी वहां से देख रही है, बार बार बुला रही है, अब बुला लीजिए ना प्लीज, बुला लीजिए। नहीं वो क्या वो नहीं आएगी, वो भाग रही है उधर क्योंकि खाना खाना है साथ में। तो मैं अच्छा ठीक है, तो बस मैं आपको एक मिनट में छोड़े देती हूँ, क्योंकि ये आवाज द वॉइस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि सिंथेटिक कल्चर और शेयर्ड कोएग्जिस्टेंस की हम बात करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, मैं आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि लगातार भाईचारे पे, सौहार्द पे, हर कोई एक दूसरे के साथ मेलजोल मेल मिलाप से रहे और एक समाज समाज जो है वो व्यक्तियों के बीच के संवाद से बनता है। क्या बात, बहुत और वो संवाद कभी नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। जी 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 आपके अब फिल्में कौन सी आ रही हैं अगर बता सके तो ठीक है, वरना मैं नेट पे देखूं। मतलब मैं कनू बहल है, कनू बहल की फिल्म आएगी अगले साल ही, सब आएगी 6-7 महीने के बाद ही। राम रेड्डी की फिल्म है, अभिषेक चौबे का प्रोजेक्ट है, और भी बहुत सारे हैं जो अब मैं शुरू करूंगा जनवरी से, बाकियों का काम। तो बहुत सारे काम लोगों को लगातार मिलते रहेंगे, बस दुआ कीजिए कि अच्छा काम हो जाए। बहुत होगा, जरूर होगा, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आवाज के साथ मेरे साथ आपने बात की, और आप इतने ही अब मैं थोड़ा गुस्से में आपको देखना चाहती हूँ, अगली बार थोड़ा गुस्सा दिखाऊंगी आपको। नहीं नहीं, वो काम के समय, काम के समय होता है। जी जी ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।